ट्राई नहीं करा जा सकता है। व्यू चेक करें, हमें तकरीबन कोई 30-40 मिनट हो गए इस व्यू को एंजॉय करते हुए। यहाँ पे हम शूज़ उतार के ऐसे बैठे हुए लवारसों की तरह, लेकिन हम अकेले लवारिस बनाने के लिए mehrrazi.com khawari.com दोनों सेम है, फर्क नहीं है दोनों। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी आज हम केएल को दोबारा से एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसे मैंने वादा किया था कि चलो मैं तुम्हें घुमाऊँगा। फिर ये डिले करते करते काफ़ी मंथ डिले हो गया है। अभी वो ट्विन टावर के पास पहुँच गया मैं, और मैं भी ऑलमोस्ट ट्विन टावर के पास ही हूँ। ये देखिए, तो मुझे यहाँ से सीधा जाना है, 2 मिनट वॉक करूँगा तो वो कहीं सामने से वॉक करता हुआ आएगा। अभी हमारी फ़ोन पे बात हुई है, मैंने उसको बोला कि कॉल बंद करो, मैं ज़रा वीडियो स्टार्ट कर लूँ, फिर मिलता हूँ तुमसे। मैं आ गया हूँ उस जगह जहाँ पे हमें मिलना है, उसको यहीं कहीं होना चाहिए अगर वो सही रास्ता फॉलो कर रहा है तो। है, चले देखते हैं कि कहाँ पे है वो। बारिश है लेकिन फिर भी लोग चल रहे हैं, लेकिन शुक्र है अभी बारिश इस तरह से तेज़ नहीं है, और दुआ है कि जैसे ही रहे वरना दिन ख़राब हो जाना है। बड़ी मुश्किल से हमने ये प्लान किया, बड़ी देर से हम इसके ऊपर पीछे लगे हुए थे कि हम किसी दिन निकलें बाहर, और आज मौका मिला, लेकिन आज बारिश हो रही है। चलिए देखते हैं कहाँ पे है वो, किधर गया। कॉल करता हूँ उसको। वो अंदर की तरफ आ गया था और मैं बाहर की तरफ था, और मुझे लंबा सा राउंड लेके आना पड़ा क्योंकि बहुत से रास्ते उन्होंने बंद कर दिए। मैं अब वो इसी तरफ कहीं हैं, मैं अभी उसको जाके ढूंढता हूँ, फिर मिलते हैं उससे, फिर देखते हैं कहाँ पे जाना है। असल में भी बारिश हुई है, उसके बाद हवा बिल्कुल बंद है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। देखें, कोई भी दरख्त नहीं हिल रहा। जब मलेशिया में इस तरह का मौसम हो कि बारिश हो उसके बाद हवा ना चले उस तरह से, तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा पसीना भी आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं फास्ट भी चल रहा था, ये भी एक वजह है, लेकिन अगर हवा ना चली तो मौसम बहुत बुरा आज घूमने के लिए। अभी 2 मिनट पहले बारिश हो रही थी अच्छी खासी, और ह्यूमिडिटी थी। अभी देखें कितनी तेज़ धूप निकल आई है, उसका बुरा हाल हो गया थोड़ी देर में। कैसे घूमना सारा दिन? एक दिन का टूर है ना, एक दिन का, इसके बाद तो नहीं होगा। हाँ, एक दिन ऐसे ये ज़्यादा निकलता नहीं बाहर, लेकिन मैं तो घूमता रहता हूँ, लेकिन आज मेरे से भी घूमा नहीं जा रहा क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है आज। तो चलें अभी चलते हैं हम मॉल के अंदर, जाके पसीना वगैरह सुखा लें, ज़रा फ्रेश होके फिर बाहर निकलते हैं वापस। और अभी हम वॉक करते हुए ट्विन टावर के मॉल से अंडरग्राउंड वॉक करते हुए हम दूसरे मॉल में आए हैं। तो यहाँ पर कुछ नया स्टॉक आया है, कहीं वो वाला ट्राई नहीं करा जा सकता है। मॉल देखूँ, मेरे पास हैं 7 इंगिट, हम ये ट्राई करते हैं कितने निकलते हैं। ट्राई करते हैं, मेरे ख्याल से वो निकलना चाहिए, जूम करना, ये वाला पर्पल निकालना है। सबसे महंगे सऊदी अरेबिया में करते हैं यहाँ पर। ये देखो, पहले भी एक निकला है, और देखते हैं कौन सा निकल सकते हैं। एक हो गया, एक हो गया, वो निकला पिंक वाला। बीच में कॉल आ गई थी, खैर हमने भी 2 सिक्के ज़ाया किए हैं और एक निकाला है। हम आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसकी, ये देखें इसमें ये है 3 कॉइन डालें और 2 दफ़ा प्ले करें। अब यहाँ पे किसी ने पहले इसमें यहाँ से 2 कॉइन डाल दिए या 1 कॉइन डाल दिया हुआ है, ठीक है, 1 कॉइन हम और डालेंगे तो हमें 2 चांस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये बड़े बड़े पैसे हैं, इनको निकालना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि ये हैवी होते हैं, लेकिन हम ट्राई करते हैं क्योंकि सिर्फ 1 कॉइन डालना है हमने। पकड़ना ज़रा, ये निकालो, ठीक है, इंसर्ट नहीं, 2 कॉइन डालने पड़े थे, 1 पहले से किसी ने डाला हुआ था। अब हो गया, ये
है अभी लेकिन हमारे पास एक और चांस है हम दोबारा से अब रह गए हैं मेरे पास 3 सिक्के और अब 3 हम यहाँ पे कोई भी नहीं निकलेगा ना ये सारे फंस गए हुए हैं पता है ट्राई करें ये नहीं आ गया या नहीं आया फंस गया हुआ ना अंदर दोबारा से वो दूसरे के यहाँ बीच में डाली कौन से वो दूसरे में फंस गया था हाँ वो उसमें फंसा हुआ ना लेकिन अब लास्ट ट्राई इसको ना करें इसको छोड़ दें छोड़ देना था अब ये कहता हूँ ये वाइट वाले को ट्राई करो अब तो खत्म हो गया कितने का पड़ा आपको 7 रिंगिट का पड़ा 7 रिंगिट का लेकिन ये मलेशिया का सबसे महंगा बहन है कोई नहीं अभी ये किसी बच्चे को दे रहे ये वैसे 1 रिंगिट के 6 मिलते हैं कोई नहीं चलो चलते हैं भाई लेकिन रिजवान भाई को पता है कि सस्ती चीज़ महंगी करके कैसे लेनी है ना एक मूवी का डायलॉग है अगर महंगी चीज ना मिले तो सस्ती चीज को महंगा करके खरीद लो बच्चे को लेते हैं अब कहाँ पे जाना है हमें कहाँ जाना है अभी बाहर निकलते हैं अंदर ट्विन टावर सुलमा ब्रिज जाना है ट्विन टावर के बुकी बिंतान पहले पहले यहीं चलते हैं ना बुकी बिंतान चले बुकी बिंतान क्या टाइम बुकी बिंतान नहीं पसंद बहुत शोर होता है बहुत रश होता है अच्छा बहुत से लोगों का होता है कि वो चाहते हैं कि वो शोर मतलब क्राउडेड जगह पे जाएं फेमस जगह पे जाएं ये कहते हैं मुझे ज़रा उस जगह पे जाना जहाँ पे शोर कम हो लोग कम हो हमने फैसला किया है सबसे पहले हम जाएंगे टीटी मंगसा पार्क क्योंकि कहीं भी मॉल वगैरह पे इसका जाने का कोई इरादा नहीं है तो उसके लिए हमने अभी चूज़ किया ट्रेन तकरीबन 1 किलोमीटर वॉक करनी पड़ेगी और हम सीधा चले जाएँगे टीटी मंगसा पार्क के अंदर तो अगर हम यहाँ से वॉक करते हुए जाते तो हमें 1 घंटा लगना था क्योंकि हमने सोचा कि बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करते 5-10 मिनट हमने वॉक करके एक ट्रेन स्टेशन पे आए हैं यहाँ से अब हम ट्रेन लेके जाएंगे नियरेस्ट स्टेशन पे फिर वहाँ से जाके हम करेंगे वॉक अभी यहाँ से हमने नीचे जाना है और अभी हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का आप ट्रेन स्टेशन चेक करें कितना सुकून और कितनी अच्छी वाइब आ रही है ये अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन है और इसको बहुत अच्छा उन्होंने डेवलप किया हुआ है लेकिन आगे हैं हम वॉक कर करके टीटी वंगसा पार्क और ये टीटी वंगसा पार्क का व्यू चेक करें आप यहाँ से देखिए यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है सिटी का इसका चल के बुरा हाल हो गया चलना और कि बैठना कहीं बैठे आज तो अभी हम कहीं पे बैठेंगे आराम करेंगे बाद में देखें फिर इसको एक्सप्लोर करेंगे दोबारा से यहाँ पर ये साइकिल वगैरह भी मिलती है रेंट पर कुछ लोग अपने लेके आते हैं बड़ी अच्छी यहाँ वाइफ होती है ऐसे नॉर्मल क्योंकि अभी हमें कहीं पर बैठना है व्यू चेक करें हमें तकरीबन कोई 30-40 मिनट हो गए हैं इस व्यू को एंजॉय करते हुए यहाँ पे हम शूज़ उतार के ऐसे बैठे हुए लवारसों की तरह लेकिन हम अकेले लवारिस नहीं यहाँ पे बहुत सी दुनिया है पीछे देखें जिस तरह भी कैमरा जाएगा लोग बैठे हुए हैं इसी तरह और सारे बैठ के इस व्यू को एंजॉय करें और यहाँ पे बैठ के हमारी जो थकावट थी गर्मी थी वो बाकी दूर हो गई अब तो हवा भी चलने लग गई है ये देखेंगे आप तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम उस तरफ जाएँ वहाँ पे जाके हमें कुछ वीडियोस और पिक्चर वगैरह बनानी है ना जो कि हमें आप ये केल के मिडल में है ये देखें ट्विन टावर वहाँ पे है केल टावर वहाँ पे जो दुनिया की दूसरी बड़ी बिल्डिंग जो आपको उस टावर के बराबर की लग रही है लेकिन वो उससे बड़ी है अब मैं आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे दूँ इस पार्क के बारे में इस पार्क को टीटी मंगसा पार्क कहते हैं ठीक है यहाँ पे बाहर की तरफ ना ये साइकिल मिलती हैं किराए पे तो ये बहुत से लोग जो साइकिलें चला रहे हैं ये किराए पे लेके आए हैं और सिर्फ ये रनिंग ट्रैक भी है तो यहाँ पे काफ़ी एक क्राउड होता है लेकिन मोस्टली जो होता है ना वो टूरिस्ट कम होती हैं यहाँ का लोकल क्राउड से ज़्यादा होता है और बहुत अच्छी यहाँ पर वाइब होती हैं ये देखें साइकिल ये रेंट पर ले लो आप फॉरनर्स लें जो मर्जी यहाँ पर आके वो साइकिल रेंट पर ले सकते हैं वो बहुत ज़्यादा वो गारंटियाँ भी नहीं मांगते कि ये छोड़ के जाओ वो छोड़ के जाओ क्योंकि कोई ऐसा करते ही नहीं है कि लेके गायब हो जाए तो इस तरह का कोई सीन ही नहीं है ये तो अच्छे स्केटिंग कर रहे हो अभी हम दूसरी तरफ जा रहे हैं और अभी हम बैठे हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर
कुछ खाना खाने आए हैं, लेकिन भाई साहब ने कितनी देर हो गई मलेशिया? 2 साल होने वाले कहीं मलाई फूड खाया। तो ये ऐसे लोग भी हैं जो 2-2 साल यहाँ पे गुजार देते हैं लेकिन मलाई फूड नहीं खाते। अभी इसके लिए मुझे बर्गर ऑर्डर करना पड़ा है। वैसे मैंने फ्राइड राइस भी मंगवाए हैं जिसको नासी गोड़िंग यहाँ पे कहते हैं। नासी का मतलब राइस, गोड़िंग का मतलब फ्राइड, और उसके ऊपर अंडा है जो हाफ फ्राइड है। तो ये कह रहा है कि शायद ये ना खाए तो इसलिए एक एक्स्ट्रा बर्गर भी मंगवाया इसके लिए। अब देखते हैं फूड आता फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मज़े की बात इसने यहाँ का स्ट्रीट बर्गर भी नहीं खाया हुआ जो कि हर जगह पर बिकता है रामली बर्गर के नाम से, ठीक है। इसने ये भी नहीं खाया हुआ आज। आज आज कसम तोड़े, आज पहला पहली कोई खा लगा नहीं। ये देखते हैं अभी हम तकरीबन कोई 30-40 मिनट से वॉक कर रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं वापस ट्विन टावर की तरफ। और ये ज़िंदगी में कभी इतना नहीं चला, बाकी सच्ची बात है, सही बात है, सही बात है, कसम से नहीं चला। चलो इसका शौक पूरा हो जाएगा आज के बाद, ये बोलेगा कि मैंने आपके साथ निकलना है व्लॉग बनाने के लिए। मैं राजी डॉट कॉम, खवारी डॉट कॉम दोनों सेम है, फर्क नहीं है दोनों में। भाई मलेशिया में आपको घूमना है तो आपको वॉक करनी पड़ेगी, और वॉक करते हुए जब इस तरह का आपको व्यू मिलेगा तो आप क्यों वॉक नहीं करना चाहोगे? हल्की हल्की बारिश हो रही है लेकिन इसमें वॉक करने का बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो। कम अज़ कम आ रहा है मज़ा, बहुत 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 मज़ा आ रहा है। यही मज़ा पाकिस्तान में जो बिल देते हुए आता है ना, वही मज़ा इधर यहाँ पैदल चल के आ रहा है। चलो ये वैसे घर में बैठा रहता लेकिन आज इसको नींद बड़ी ज़बरदस्त आएगी, और जब इसको अच्छी नींद आएगी ये मुझे ज़रूर याद करेगा। अभी चले हम चलते हैं ट्विन टावर, वहाँ पर जाकर आपको मिलते हैं दोबारा। हमने सोचा था पहले कि हम ट्विन टावर तक वॉक करेंगे, लेकिन अभी भी अगर हम बाहर से वॉक करते तो हमें 20 मिनट लगने थे, लेकिन हमने सोचा कि हम ट्रेन स्टेशन की तरफ दोबारा चलते हैं। लेकिन ये ट्रेन स्टेशन देखें कितना बड़ा और कितना वीरान है। ये आपको राज की बात बताते हैं जी, राज दूर की बात। दूर तक कोई भी नहीं है, राज की बात बताते हैं। मलेशिया के वीज़े सारे बंद है, नहीं यकीन आ रहा ये देख लें। हाँ, हम लोग रह गए, हमारा वीज़ा भी एक्सपायर होने वाला है, हम भी वापस आ रहे हैं, बाकी सारे चले गए, मलेशिया खाली है। ये लग रहा है जैसे कोई एयरपोर्ट है, लेकिन देखो ये तो बिल्कुल खाली है। ये देखो कितना बड़ा ये ट्रेन स्टेशन है और यहाँ पर कोई भी नहीं है, नुकसान नहीं होगा इनको? वो एक बंदा चलता हुआ आ रहा है हमारे पीछे, उसके अलावा सिर्फ हम हैं। इन भाई का भी ये भाई भी वापस जा रहे हैं पाकिस्तान, इंशाल्लाह हम भी चले जाएंगे। ये भी जा रहे हैं, हम भी आ रहे हैं अगले हफ्ते। मलेशिया खाली, मलेशिया नहीं खाली होता। उठ जा यार, क्या हो गया, क्या हो गया? मैंने वापस जाना है जहाँ पे आलिया भट्ट का वो क्या था, आलिया भट्ट है ना, हाँ वो जो ये इंडियन एक्ट्रेस है उसका क्लिप लगा दें, मुझे वापस जाना है। वो यार वो जिसका था क्लिप के मैंने वापस जाना है, मुझे अपने घर जाना है। हाँ मुझे अपने घर जाना है, आलिया भट्ट पर्सन केस ये बंक पार्ट। चलते चलते हम आ गए हैं ट्विन टावर के पास। असल में जिस स्टेशन पे हम आए थे वहाँ से भी आगे हमें कुछ 10-15 मिनट वॉक करके ट्विन टावर तक पहुँचना था, और अभी तक जो मैंने स्टेप देखे हैं वो हो गए हैं तकरीबन 15,000 प्लस स्टेप, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। और अभी तक हमने 10 किलोमीटर सफ़र कर लिया है और अभी रात बाकी है, तो एंड पे देखेंगे ये कितने स्टेप हो जाते हैं। हमारी कैसी हालत है जैसे थोड़ी देर पहले थी? तो है ये तो काफ़ी ज़्यादा थक गया, उसकी इतनी आदत नहीं। मुझे वैसे आदत है चलने की, लेकिन कल मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था उठने बैठने वाला, तो अभी तो मेरी हालत भी नाजुक हो गई है। लेकिन खैर अभी दिन बाकी है, देखते हैं कि टोटल कितने किलोमीटर बनता आज। लेकिन रात के बस बहुत ज़्यादा प्यारी वाइब्स हो गई यहाँ। अभी हम जा रहे हैं इस पब्लिक बैंक के पीछे, वहाँ पे एक स्लोमा ब्रिज है, रात के वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारी सी लाइटिंग होती है, बड़ा क्राउड होता है वहाँ पर, तो अभी हम उसी जगह पर जा रहे हैं। बारिश भी आने वाली है। तो जी मस्जिद वॉक करते हुए अब आ गए हैं हम सलोमा ब्रिज के पास। ये है वो ब्रिज, यहाँ पे रात के वक्त काफ़ी खूबसूरत सी लाइटिंग होती है, लेकिन आज संडे होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी क्राउड भी है। तो अभी हम आगे चलते हैं, आप उसी रात आपको तस्वीर दिखाते हैं। और ये बिल्कुल ट्रेन स्टेशन के पास ही है, आप वहाँ से वॉक करके आएँ इस पब्लिक बैंक की तरफ, यहाँ से वॉक करके इस तरफ से आप इस ब्रिज के पास आ सकते हैं। और इसमें यहाँ पे दिन के वक्त भी बड़ी अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं, पर अगर आप अंदर की तरफ से बनाएं और रात के वक्त तो
यहाँ पे प्यारी काफ़ी प्यारी लाइटिंग होती है। चलो चलते हैं आगे जाके देखते हैं कितना क्राउड है अंदर। और अब मैं मौजूद हूँ इस्लामा ब्रिज के अंदर। कभी इस जगह को टिकटॉकर्स की जन्नत कहा जाता था। आज से कुछ साल पहले जब ये ब्रिज नया नया बना था तो तब टिकटॉक नई नई आई थी, बहुत ज़्यादा देर नहीं थी टिकटॉक को, तो यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा रश होता था, बहुत से लोग टिकटॉक बनाने आते थे। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन अभी उस तरह से क्राउड नहीं है जितना ये जब स्टार्ट हुआ था तब उतना होता था। यहाँ पे भाई ऐसे लोग पागल हो गए होते थे टिकटॉक के लिए और उनकी वीडियोज़ बहुत वायरल भी होती थी क्योंकि एक नई जगह थी। लेकिन अभी तो ये एक नॉर्मल हो गया, तो अभी इतना रश नहीं होता यहाँ पर जितना पहले होता था। यहाँ से ट्विन टावर का व्यू भी बड़ा अच्छा आता है, तो बहुत से लोग यहाँ पे फोटोज़ बनवाते भी हैं, बहुत से लोग कैमरा लेके घूम रहे होते हैं। अब उनको पे करें वो आपके लिए फ़ोटो बना देंगे। और यहाँ से सिटी का व्यू भी बड़ा अच्छा आता है। तो खैर चलें, फ़ोन पे लगा हुआ है। खैर बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब देखते हैं इसमें कहाँ जाना है। तो जी ऑलमोस्ट 12,000 स्टेप करने के बाद और 17 किलोमीटर करने के बाद अभी हमने सोचा है कि व्लॉग को एंड किया जाए। हाँ भाई कैसा रहा? देखते हैं, ये तब पता चलेगा जब अगली बार वापस निकलते हैं कि नहीं निकलते। खैर अगर अगली दफ़ा हम मिले और हमने दोबारा से व्लॉग बनाया तो हम दूसरी डिफरेंट जगह जाके एक्सप्लोर करेंगे। अभी आए हैं हम मॉल के अंदर, ये यहाँ से जाएगा नीचे अपने घर की तरफ। और मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं मज़ीद वॉक ना करूँ, कोई ट्रांसपोर्ट लेके मैं भी जाऊँ घर, क्योंकि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके आया था। खैर ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।